बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा का दौर जारी है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी के दंगाई शेख हसीना के लोगों को निशाना बना रहे हैं। ढाका में एक रिटायर्ड मेजर के घर में दंगाई घुस गए और जमकर आगजनी की। तो एक एक करके इस वक्त बांग्लादेश में इसी तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। खास तौर पर जो शेख हसीना के करीबी लोग रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर तेजी से हमले भी बढ़ रहे हैं। जमात इस्लामी के कट्टरपंथी दंगाई लोगों को घरों से निकाल कर मार रहे हैं, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों में आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी हिंसा रुक नहीं रही है। तख्ता पलट के बाद सड़कों से हिंसा का दौर जो शुरू हुआ था वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथी लोग अब कट्टरपंथी ग्रुप्स में खोज खोज कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कई जिलों में अल्पसंख्यकों के घरों को, दुकानों को, पूजा स्थलों को तोड़ा गया, आग लगाई गई। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू दंगाइयों के डर से देश छोड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ये लोग भारत में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील होने के चलते भारत में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश में दंगाइयों के निशाने पर पूर्व सेना के ऑफिसर भी हैं। दंगाइयों ने सेना के रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली के घर में पहले तोड़फोड़ की, लूटपाट की और उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया। और अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां पर तख्ता पलट के बाद आज नई सरकार शपथ लेने जा रही है। बांग्लादेश आर्मी चीफ के मुताबिक आज रात 8 बजे नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह करेगी। आंदोलन कर रहे लोगों ने नोबेल पुरस्कार विजेता 84 साल के मोहम्मद यूनुस को अपना लीडर चुना है। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस की वापसी तय हो गई है, वो इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंसा की दिशा अब बदल गई है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी के दंगाई अब अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके घरों को, दुकानों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, लोगों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं से रेप किए जा रहे हैं, लोग दंगाइयों के डर से अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। वहीं सेना मुख दर्शक बनी हुई है। जुन्नू अल्लाह का शुक्रिया अदाय करछी आमार कारावंदी अवस्था है आपनारा आमार कारामुक्ति और रोग मुक्तिर जुन्नू संग्राम करेछेन, दुआ करेछेन, सेजन्य आमी आपनादेर सकल के धन्यवाद जानाच्छी। दीर्घ आंदोलन संग्राम ओ त्यागेर मध्य दिए आम्रा फासिबादी अवैध सरकारेर काछ थेके मुक्ति पेयेछी। आमी आंतरिक धन्यवाद जानाते चाई आमादेर वीर सन्तानदेर जारा मरणपण संग्राम करे असम्भवके सम्भव करेछे। शत शत शहीददेर जानाई श्रद्धा। ए विजय आमादेर नतून सम्भावना निये एसेछे। दीर्घदिनेर नजीरविहीन दुर्नीति गणतंत्रের ধ্বংসের স্তূপের মধ্য থেকে আমাদের নির্মাণ করতে হবে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। ছাত্র তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তরুণরা এই যে স্বপ্ন নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर तेजी से हमले भी बढ़ रहे हैं। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी दंगाई लोगों को घरों से निकालकर मार रहे हैं, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों में आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी हिंसा रुक नहीं रही है। तख्ता पलट के बाद सड़कों से हिंसा का दौर जो शुरू हुआ था वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथी लोग अब कट्टरपंथी ग्रुप्स में खोज खोज कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कई जिलों में अल्पसंख्यकों के घरों को, दुकानों को, पूजा स्थलों को तोड़ा गया, आग लगाई गई। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू दंगाइयों के डर से देश छोड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ये लोग भारत में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील होने के चलते भारत में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं।
बांग्लादेश में दंगाइयों के निशाने पर पूर्व सेना के ऑफिसर भी हैं। दंगाइयों ने सेना के रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली के घर में पहले तोड़फोड़ की, लूटपाट की और उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया। मेजर मोहम्मद अली बांग्लादेश की फौज में रैंक मेजर रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। अब ढाका में मशहूर बंगाली सिंगर राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। हमले से घबराए राहुल आनंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहले घर छोड़कर निकल गए थे। इसके बाद कट्टरपंथियों ने जमकर लूटपाट की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। राहुल आनंद ने अपने घर को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक म्यूजियम बनाया था। दुनिया भर के लोग उनके कलेक्शन को देखने आते थे और जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पहुंचे थे, इमैनुअल मैक्रों ढाका में अपने दौरे के दौरान, उन्होंने राहुल के घर का दौरा भी किया था और उनके कलेक्शन को भी देखा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। उस दिन का वीडियो है जब राहुल के घर पर हमला हुआ था और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी कि वो एक हिंदू थे, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। ये तस्वीर ढाका के खिलगांव इलाके की है, जहां उपद्रवी एक गर्भवती हिंदू महिला के घर में घुस गए, उसके साथ मारपीट की, गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी, महिला दर्द के मारे बेहोश हो गई, चीख पुकार मच गई। दंगाई उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए, जिसके बाद पूरा परिवार सहमा हुआ था और परिवार में जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की थी उन बुजुर्गों को भी धारदार हथियारों से हमला किया गया, मारा गया। तो दंगाई बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, घरों में बिखरा हुआ पड़ा सामान इस बात की गवाही देता है कि ये दंगाइयों ने किस तरह से यहां पर तांडव मचाया है। अब बांग्लादेश में हालात पर असम से सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने चिंता जाहिर की है। हिमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि बांग्लादेश में दोबारा से भारत के नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ आतंकी एकजुट ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है दो एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है, साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहां सेफ हेवन दोबारा ना मिले। और भी बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर भारत ने चिंता जाहिर की है। देश के साधु संतों ने प्रधानमंत्री मोदी से एक सुर में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपील की है। साधु संतों ने मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा की जाए। भारत की सरकार को इस समय जो हिंदू जनता है बांग्लादेश की उनके पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखना चाहिए ताकि उनको संबल रहे, उनके मन में घबराहट ना हो और अगर प्राणों की रक्षा के लिए उनको यहाँ आने की आवश्यकता पड़े तो उनको कह देना चाहिए कि आप आ सकते हो, हम आपको यहाँ पर शरण देंगे। जैसे वहाँ की जो प्रधानमंत्री रही हैं उन्होंने त्यागपत्र दिया और सीधे भारत आ गई। क्यों आई? क्योंकि उनको लगता था कि हमारा प्राण यहाँ पर बचेंगे। और मैं भारत सरकार से कहूँगा कि हिंदुओं की चिंता करें, विशेषकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मैं कहूँगा कि बांग्लादेश की इस कुकृत्य पर हस्तक्षेप किया जाए। मैं संपूर्ण हिंदू जनता से अब कह रहा हूँ कि निरर्थक मतभेद भुलाकर एकमात्र हिंदुत्व को बुलंद किया जाए और हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की जाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आज एक नई सरकार शपथ लेने जा रही है। बांग्लादेश आर्मी चीफ के मुताबिक आज रात 8 बजे नई सरकार का शपथ समारोह होगा। आंदोलन कर रहे लोगों ने नोबेल पुरस्कार विजेता 84 साल के मोहम्मद यूनुस को अपना लीडर चुना है।
इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस की वापसी तय हो गई है। वो इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं। मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा की दिशा अब बदल गई है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी के दंगाई अब अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। उनके घरों दुकानों को लूटपाट की जा रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है और इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। लोग दंगाइयों के डर से अब अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं और सेना मूक दर्शक बनी हुई है। बांग्लादेश में नई सरकार से पहले कत्लेआम। बांग्लादेश में टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू। बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त दंगाइयों के निशाने पर 1,13,00,000 हिंदू हैं। कट्टरपंथी दंगाई खुलेआम अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं, दंगाई उनके घरों दुकानों मकानों को टारगेट कर रहे हैं। महिलाओं के साथ हैवानियत की जा रही है, सरेआम उनको बेइज्जत किया जा रहा है। हिंसा के बीच आज बांग्लादेश में नई सरकार बनने जा रही है। পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দী অবস্থায় আপনারা আমার কারামুক্তি ও রোগমুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, দোয়া করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা ফাসিবাদী অবৈধ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বীর সন্তানদের, যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। শত শত শহীদদের জানাই শ্রদ্ধা। এ বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ আর্মি চিফ কে মুতাবিক আজ রাত 8 বাজে নই সরকার কা শপথ সমারোহ হোগা। আন্দোলন কর রহে লোগো নে নোবেল পুরস্কার বিজেতা 84 সাল কে মোহাম্মদ ইউনুস কো আপনা লিডার চুনা হ্যায়। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस की वापसी तय हो गई है। वह इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। हमने मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया भर में जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया सलाहकार नियुक्त करने की सिफारिश की थी। महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी है और इस बात पर मोहर लगाई है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बहुत जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि पिछली फासीवादी सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याओं, अपराधों और भ्रष्टाचार को अंजाम देने वालों के साथ कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए। आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम ना तो किसी से बदला लेना चाहते हैं और ना ही हम बांग्लादेश में कोई खून खराबा चाहते हैं। हम अपने देश को शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं। हमरा एक शांतिपूर्ण बांग्लादेश चाहिए। बांग्लादेश में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है।
शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद के इस्तीफा देने के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही है। तख्ता पलट के बाद सड़कों से हिंसा का दौर खत्म हो गया है, लेकिन कट्टरपंथी लोग अब कट्टरपंथी ग्रुप्स में खोज खोज कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कई जिलों में अल्पसंख्यकों के घरों, दुकानों और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सिलहट, बारीसाल, राजशाही और ढाका में सबसे ज्यादा हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ढाका में मशहूर बंगाली सिंगर राहुल आनंदो के 140 साल पुराने घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। हमले से घबराए राहुल आनंदो अपनी वाइफ और बेटे के साथ घर छोड़कर भाग गए। इसके बाद कट्टरपंथियों ने जमकर लूटपाट की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। राहुल आनंदो ने अपने घर को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का म्यूजियम बनाकर रखा था। दुनिया भर के लोग उनके कलेक्शन को देखने आते थे। ये तस्वीरें ढाका के खिलगांव इलाके की है, जहां उपद्रवी एक गर्भवती हिंदू महिला के घर में घुस गए, उसके साथ मारपीट की, गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी। महिला दर्द के मारे बेहोश हो गए, चीख पुकार मच गई। दंगाई उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए, पूरा परिवार सहम गया। दंगाई बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट की जा रही है। घरों में बिखरा सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां दंगाइयों ने किस तरह से उपद्रव मचाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने वाले दंगाई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। जमात के दंगाई पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं।